नमस्कार, घर का शेफ फ्रॉम अर्चना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पिज्ज़ा पे टॉपिंग करके पिज्ज़ा बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है और इसको हम पैन या तवे पे नहीं बनाएंगे, इसको हम कुकर में बनाएंगे और ये बहुत ही बढ़िया से बनेगा। और इसके लिए कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए, घर में जो सामान होता है उसी से हम बनाएंगे। इसमें बाहर से हम कुछ भी नहीं लाए हैं, सब कुछ घर में जो रहता है उसी से बना रहे हैं। तो देखिए, पहले देख लेते हैं क्या क्या। ये मोजरेला चीज़ मैंने यहाँ पे लिया है, ये मेरा होममेड मोजरेला चीज़ है, इसको मैंने घर में बनाया है और इसका वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया है। और ये पिज्ज़ा सॉस है, इसका भी वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया है, ये भी मेरा होममेड है। और ये पिज्ज़ा बेस है, ये भी इसका भी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। ये पिज्ज़ा बेस बहुत बढ़िया बनता है, इसको मैंने पैन में बनाया है। और थोड़ा सा देखिए, काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च है, और थोड़ा सा नमक है, सादा नमक है, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, ऑलिव ऑयल आप डालना चाहते हैं तो डालिए, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिए। मैंने यहाँ पे हाफ चम्मच के लगभग लिया है। और ये देखिए, सब्जियाँ मैंने यहाँ पे ली हैं छोटे टुकड़ों में कटी हुई, सब प्याज, बीन्स, शिमला मिर्च, गाजर और टमाटर। आप अपने पसंद से कोई भी सब्जियाँ इसमें ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले इस पे पिज्जा सॉस लगाएंगे हम। ये पिज्जा सॉस भी बहुत आसानी से घर में ही मैंने बनाया है, इसको इसमें बाहर से कुछ ज्यादा सामान लेके नहीं आई हूँ। टमाटर, प्याज, लहसुन, बस घर में जो सामान रहता है उसी से इसको मैंने बनाया है। इसका वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसको जरूर ट्राई करिएगा एक बार। देखिए, अच्छे तरीके से मैंने लगा दिया है पिज्जा सॉस। अब इस पे ये थोड़ा सा गाजर डालेंगे, मैंने सब सब्जियों को बहुत ही छोटे टुकड़ों में काटा है। अगर हम इसको बड़े टुकड़े में काटेंगे तो फिर इसको पहले हल्का सा फ्राई करना पड़ेगा सभी सब्जियों को। इतने छोटे टुकड़ों में मैंने काटा है इसलिए जल्दी से गल जाएगा। अब चीज को ग्रेट कर लेंगे। अब देखिए, इस पे थोड़ा सा काली मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा नमक और फिर चीज़ डालेंगे। ये चीज़ भी बहुत बढ़िया बनता है, इसको मैंने दूध से, दूध को फाड़ के फिर बनाया है, दूध का पनीर बना के। फिर से इसके ऊपर ये सारी वेजिटेबल एक बार ऐसे एक लेयर और लगा देंगे। अब फिर से इसके ऊपर ये चीज डाल देंगे ऐसे। इसमें जितनी चीज आप देख रहे हैं सब मेरा होममेड है, पिज्जा बेस, पिज्जा सॉस, चीज सब होममेड है। अब इसमें थोड़ा सा सादा नमक ऊपर से डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा काली मिर्च और ये ऑलिव ऑयल। अब एक कुकर लेंगे। देखिए, मैंने गैस ऑन करके कुकर चढ़ा दिया है इस पे। अब ये पिज्जा को लेके ऐसे संभाल के ऐसे कुकर में रख देंगे और इसका ढक्कन देखिए, इसमें सीटी नहीं लगाएंगे और इसका साइड का रबड़ भी निकाल देंगे और इसको बंद कर देंगे। और गैस फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसको 5 मिनट तक इस पे रहने देंगे। 5 मिनट हो गया है, इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया बना है, चीज पूरा अच्छे से मैट हो गया है, सब्जियां सब पक चुकी हैं, ये हो चुका है। तो अब गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको निकालेंगे। देखिए, पिज्जा बन के तैयार है, कितना बढ़िया बना है, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। इसको आप जरूर बनाइएगा।
देखिए कितना अच्छा लग रहा कि मार्केट से ही आया है ये। और पिज्जा बेस देखिए फूल के कितना मोटा हो गया है ये देखिए। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको शेयर करिएगा। कट करके दिखाती हूँ मैं, देखिए अंदर से ये कितना क्रिस्पी है नीचे से। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करके शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं पिज्जा बेस का और पिज्जा सॉस का और चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।